हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो एक बार आप नोट कर लीजिए इसको काफी अच्छे से और एक बार देखिए सॉल्व हो पा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो चलिए ट्राई करते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे गिवन डेट है एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग है और यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से एक्स प्लस वाई का वैल्यू फाइंड करना। तो फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक बार अच्छे से देखिए क्या करना पड़ेगा। आपको देखने से तो लग रहा होगा थोड़ा सा इशू, बट यहाँ पे करना कुछ नहीं है, आप इसको और इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाय एडिंग। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में इधर है एक्स स्क्वायर और इधर एक्स वाई, इधर क्या है वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, लेफ्ट साइड का ऐड हो गया। राइट साइड में है इधर 40 और इधर राइट साइड में 60। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 2xy इक्वल टू 100 हो जाएगा। अब ये चीज को आप समझ रहे होंगे कि ये किसका स्क्वायर है, तो एक अलजेब्रिक इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 इक्वल, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये चला जाएगा रूट में, तो x प्लस वाई विल बी 100 का स्क्वायर कितना होता है 10। तो इस तरीके से आप x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जरूर आपको पसंद आया होगा। अनदर क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर में एक बार अच्छे से देखिए, इसको भी ट्राई कीजिए। दो नंबर का सॉल्यूशन, यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया है, रिमेनिंग पूछ रहा है 1x + 1y, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना अपने को, तो ये वैल्यू पहले लेके चलते हैं, फाइंड करना है 1x + 1y। अब इसको चाहे तो आप एलसीएम लेके ऐड कर लेंगे, तो एक्स वाई नीचे हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा वाई प्लस एक्स, मीन्स एक्स प्लस वाई ऊपर हो जाएगा। अब अपने को क्या है एक्स प्लस वाई का वैल्यू दिया है बट एक्स वाई का वैल्यू नहीं दिया है, तो आप सेम जो यहाँ पे ट्राई किया आप उसी से एक्स वाई का वैल्यू निकाल लीजिए। तो आप लिख सकते हैं बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अगर ये आइडेंटिटी आप जैसे ही यूज करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा x प्लस वाई का वैल्यू गिवन डेट है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25 दिया है, 2xy हो गया। अब 49 माइनस 25 ठीक है इक्वल टू 2xy, माइनस कर देते हैं 9 माइनस 5 4, 4 माइनस 2 2 और डिवाइड बाई 2, ये इधर आ जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा एक्स वाई, काट देंगे 12, तो एक्स वाई इक्वल टू मिल गया अपने को 12, राइट। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, एक्स प्लस वाई का वैल्यू है 7 ठीक है एंड एक्स वाई का वैल्यू आया 12, तो यहाँ पर रख देंगे 12, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जरूर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।